बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, हम बहुत अरसे से टीवी पे सुन रहे हैं, कोई बता रहा है एक तिहाई आबादी चली जाएगी, कोई कह रहा है एक तिहाई आबादी मर चुकी है, कोई कह रहा है एक तिहाई आबादी वाला जो बीमारी आनी थी दुनिया में वो यही बीमारी है और शुरू हो गया उसका सिलसिला और एक तिहाई लोगों ने मरना है। और कब कब दुनिया में ये सब कुछ हुआ है और ये क्या है? तो इस वक्त हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जेडीसी का दौरा किया हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर मोहित साहब, कराची यूनिवर्सिटी के, और हरदिल अजीज हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और बहुत करीब से आके आपने तमाम चीजों में जायजा लिया। जिन टॉपिक्स पे बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम सुने कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे रिसर्चदान मौजूद हैं जो इन तमाम चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहेंगे ये एक तिहाई आबादी क्या पहली बार खत्म हो रही है दुनिया में या होगी या इससे पहले भी हो चुकी है, क्या सिलसिला और क्या इसको क्यों बोला जाता है एक तिहाई आबादी? तस्वीर कर दूं कि मैं हेड नहीं हूँ इस डिपार्टमेंट का, मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं बताऊँ आपको कि देखिए, ये पहले तो 2500 साल तक का हमारे पास रिकॉर्ड है कि इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी वबाई अमराज फैल चुकी हैं। मैं कुछ नाम दे देता हूँ आप लोगों को, आजकल गूगल के जमाने सर्च कर लीजिएगा, एथीनियन प्लेग 2400 साल पहले हुआ था, जस्टिनियन प्लेग 1600 साल पहले हुआ था। ये प्लेग हैं जो कि वबाई अमराज, जैसे आज आप कोरोना कहते हैं ना, आज से 100 साल पहले 200 साल के बाद आदमी क्या बोलेगा, कोरोना आया था। तो उसी तरीके से जस्टिनियन प्लेग, एथीनियन प्लेग, स्पैनिश फ्लू और इस तरह के बहुत सारे फ्लूज आते रहे। इनमें दो किस्म की बड़ी चीजें, एक तो वो जो इंसान से इंसान लगने वाली वबाई अमराज है जिसके अंदर निमोनिया है, टाइफाइड है और इस तरह की बहुत सारी चीजें वो लगी, जैसे एथीनियन प्लेग, एथीनियन जो था वो इन्फ्लुएंजा का वो एक नस्ल थी। और दूसरी चीज होती है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो चूहे से आपको लगता है और वो यसर्निया पेप्टिस से एक वायरस होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे वो ट्रांसफर करता है बॉडी के अंदर और उससे आपकी बहुत सडन और बहुत ही खौफनाक डेथ होती है। ब्यूबोनिक प्लेग भी बहुत सारे हैं जिसको आप यहाँ पे ताउन के नाम से आप हम लोग कहते हैं, जुगों से फैल गया। बीच मुझे याद है हमारे जब हम मेरे ख्याल से 80s के अंदर भी ये 90s के शुरू में एक हुआ था कि जी इंडिया में ताउन फैला, अगर हम लोग कुछ याद हो तो ये फैलते रहे। देखिए, दुनिया में पहले इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी जितनी आज है। आप ध्यान में रखिएगा, एथीनियन जो प्लेग था वो एथीन में खत्म हो गया क्योंकि एथेंस वालों की वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब ट्रेडिशंस, ये सब ट्रैवलिंग नहीं थी तो वो वहीं होकर खत्म हो गया। इसी तरीके से आज से अगर 100 साल पहले भी देखें तो वो ट्रैवलिंग नहीं थी जो आज है। प्लेग्स में या वबाई अमराज में जो सबसे बड़ी वजह है इसके फैलाव की वो है ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप आइसोलेशन करें और मूवमेंट ना करें, और यही हमारी हदीस में तैयबा में मिलता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब अगर आप किसी वबाई इलाके में हो तो वहीं ठहर जाएं और अगर अपना अगर जहां पे हैं वहां पे आप रुके रहें ताकि ये चीज़ वहां पे खत्म हो जाए, उसके फैलाव रोका जाए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये साइंस भी यही बताती है कि उसको फैलाव को रोकने के तरीके भी यही है। हमारे पास इस वक्त आपने ये कहा कि एक तिहाई आबादी, यूरोप की एक तिहाई आबादी ब्लैक डेथ में मरी थी तकरीबन, उसको ब्लैक डेथ ही कहते हैं, उसको आप ताउन कह लें, चूहों से फैला था वो। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो 1348 के अंदर फैला था। ये दो ढाई साल के अंदर एक तिहाई आबादी मर गई थी, लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग मरे थे और उसमें जो है वो इतना खौफनाक था कि उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं उसके भाई, जिसने बिल्लियां मार दी गई थी सारी। मैं आपको बताऊं, वहां पे जो पेपेसी थी उनके जो पादरी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्लियों से फैल रहा है, तो उनकी रिलीजियस क्लास ने फतवा दिया, तो वो उनके उसके बाद क्या हुआ कि अचानक लोगों ने बिल्लियां मार दी, चूहे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो एकदम थोड़ा सा एक स्पाइक आके लेवल आउट हुआ था। लेकिन जब बिल्लियां मारने का उन्होंने हुक्म दिया तो वो बिल्लियों से अचानक चूहों की जब आबादी आउट हुई तो फिर तेज हो गया वो, लेकिन वो बाद में जाके जो है वो जो खत्म हुआ। देखिए, खत्म होने की दो चीजें होती हैं जो तारीखी तौर पे हैं, हमारे साथ डॉक्टर भी बैठे हुए इस कमरे के अंदर। एक है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी है कि जब इंसान किसी भी चीज से, बीमारी से इंटरेक्शन में आता है तो वो उसकी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज बनाती है और उसको लड़ने की सलाहियत देते हैं, एंटीबॉडी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, या फिर उसकी दवाई जा दो। ये पहली दफा आप समझ लीजिए कि दुनिया की तारीख में इंसान इस लेवल पे है कि उसको पता है कि हमारे साथ हो क्या है। आप यकीन कीजिए, इस वक्त कोरोना वायरस अगर आज से 100 साल या 150 साल पहले फैला होता तो अब तक आधी आबादी तो मैं कहता हूँ अफेक्ट हो चुकी होती दुनिया की, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है। अभी हमें पता है कि जी 6 फीट दूर रहना है, अभी हमें पता है कि जी मास्क पहनना है, अभी हमें पता है कि जी इन्फेक्शन करना है, हमें पता है कि जी कैसे फैलना है।
14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, ये पहले लोगों को नहीं पता थी ये चीजें, जब भी वो चीजें होती उनको पता ही लगता था कि हो क्या। मतलब आखिरी मौत कौन सी बड़ी हुई है? वो आखिरी जो है वो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू के नाम से। कितने अरसे पहले? वो 1917 की बात है, पूरे 100 साल से कह लीजिए आप, 103 साल, और वो भी यूरोप के अंदर फैली, स्पेन का नाम उन्होंने दे दिया। असल में वो स्पेन से अलावा जर्मनी और दूसरी जगहों पर भी बहुत थी, क्योंकि स्पेन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक वीकर पार्टनर था, तो उसका नाम उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए दे दिया। जर्मनी में भी उतनी मौत हुई थी, यूरोप कितने लोग मरे? वो तकरीबन 4-5 करोड़ की फिगर। 4 करोड़? जी जी, बहुत बहुत। वबा का नाम क्या था? स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू के नाम से। ये भी भाई फ्लू या किसम की? नहीं, ये जी वो इंसान से इंसान को लगने वाली बीमारी थी, जिस तरह से ये है, इसी की तरह से कोविड, जिस तरह से कोविड-19 उसी तरीके से वो भी था। मतलब उसकी वो शक्ल फर्क थी, लेकिन वो भी इसी तरीके से वो होती थी, उसके अंदर आपके जो अलामत होती है उसी तरीके से, फिर वो बीमार हो गया, आदमी मर जाता, तो वो भी इंसान से इंसान को लगती थी। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि उस जमाने में चाइना के लोग यूरोप नहीं जा रहे थे इतनी तेजी से। आजकल तो फ्लाइट, आप अभी डेटा निकाल के देखिए, जो बड़े शहर हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। अमरीका में इस वक्त आज तकरीबन 8.5 लाख की फिगर आ गई है, 8.5 लाख में से 3-4 लाख सिर्फ न्यूयॉर्क में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा कनेक्टेड है पूरी दुनिया से, और न्यूयॉर्क के अंदर पूरी दुनिया से लोग आकर काम करते हैं, जिसको आप बिग एप्पल कहते हैं। आप इंग्लैंड चले जाएंगे, पूरा इंग्लैंड एक तरफ, लंदन एक तरफ, पाकिस्तान में कराची एक तरफ और बाकी पाकिस्तान एक तरफ। कितने बड़ा आबादी, तकरीबन हमारा 20-25% तो सिर्फ कराची के अंदर अफेक्टेड। डरने वाली पोजीशन है? देखिए, डरने वाली पोजीशन तो यह है कि अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका क्या होगा, तारीख के अतबार से आप बताएं, मैं फिर वही जवाब देता हूं। इसका कंट्रोल तभी होगा कि जब तक दवा नहीं बनती, और दवा बनने में पहली दफा इंसान की तारीख में जो इतनी बड़ी जो वबा, इतनी खतरनाक बीमारी जो कि लाखों करोड़ लोगों को मारने की सलाहियत रखती है, या इतनी खतरनाक है कि जो माजी में अगर आती, जो मैं आपसे कह रहा हूँ 200 साल पहले आती, तो पता नहीं क्या होता। अभी हमें कम से कम पता है कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, और अभी हमारे पास ट्रायल के अंदर मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्लेम किया है कि हमने परमिशन ले ली है इसके टेस्ट करने की एनिमल्स के ऊपर, और फिर उसको हम ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पे जाएंगे जुलाई पे, और वो कह रहे हैं कि हम मार्केट में अगस्त सितंबर तक लॉन्च कर देंगे। मेरी जो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस तरह की बीमारियों का हल दो ही तरीके से निकलता है, या तो दवाई या हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी वो है कि जो कि आज नीदरलैंड कर रहा है, जो इंग्लैंड ने कहा था कि जी हमें एक्सपोज होने दें, देखते हैं क्या होता है, जो कमजोर है वो रह निकल जाएंगे, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात, यानी जो बुजुर्ग मर जाए। नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, कमजोर सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं होता, कमजोर एक जवान आदमी भी हो सकता है जो दिखने में जवान लगता है। कमजोरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, ये बहुत पुरानी थ्योरी है और उसके अंदर हम देखते आ रहे हैं कि ये होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसी को, कि फिर इंसान के अंदर एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको एक और बताऊं, बड़े मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी हिसाब का अंदाजा होगा कि ट्रैवलिंग में यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचे क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, तो एक बीमारी ऐसी लेकर गए हैं जो यूरोप में थी और अमेरिका में, वो अमेरिका में नहीं थी, रेड इंडियंस में, वो चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स आप यकीन कीजिएगा, बंदूक से लोग कम मारे हैं अमेरिकनों ने, यूरोपियंस ने अमेरिका में, चिकन पॉक्स ज्यादा मरे, क्योंकि चिकन पॉक्स इनको थी। अच्छा, ये लोग इम्यून थे, ये लोग मरते नहीं थे, उससे सर्वाइव कर जाते थे। रेड इंडियंस में या नॉर्थ अमेरिका में जब ये क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा 1492 के अंदर, तो पहली दफा उनको पता चला, उनको तो पता ही नहीं था कि वो क्या रहा है, जिसम पे दाने निकले और मर गए। मौत होती है ऐसी वैसी मौत होती है। आपको आपको आपके जहन में डॉक्टर यहां बैठे हुए, हिस्टोरिकली मैं आपको बताऊं, दुनिया में अगर एक वजह जो सबसे बड़ी निकाली जाए इंसान की, हम बात की, आपके जहन में क्या है? कैंसर, मच्छर। अच्छा, मच्छर जी, मलेरिया 4 दिन में मार देता है आपको, डॉक्टर साहब बैठे कितने दिन में मर जाता है दिमाग, 3-4, जितना बड़ा खतरनाक मलेरिया है आपको अंदाजा नहीं है। आज भी दुनिया में सिंगल कॉज मलेरिया ही आएगा, जो आप अफ्रीका के कंट्री को तो जाइए, पैनामा कनाल जब बन रही थी, मैं आपको तारीख के बाद आपने छेड़ी तो तारीख उस तारीख के साथ तो चलती रहेंगी बात है। पैनामा कनाल जब बन रही थी आज तकरीबन 100-150 साल पहले, तो ये पनामा कैनाल वो है कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के दरमियान में से इन्होंने जमीन काट के पानी का रास्ता निकाला। पनामा कैनाल जो बनाने खड़े हुए ये लोग अमेरिका के जो वो थे इंजीनियर्स, आप यकीन कीजिए काम ही ना कर पाए, मलेरिया से लोग मरे जाए, क्योंकि वो पनामा जो है वो पनामा इलाके के अंदर वो जंगलात है, वो फॉरेस्ट है, वो रेन फॉरेस्ट है, वहां पर मच्छर बेतहाशा मच्छर, लोग मरे जाए और सैकड़ों की तादाद में लोग मरे जाए, मजदूर काम ही नहीं कर सके, बीमार। अच्छा, जो बच भी जाए वो बीमार, तो क्या करें? तो उन्होंने, आप यकीन कीजिएगा, पहले पता है क्या किया उन्होंने, सारा ऑपरेशन उन्होंने बंद किया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मच्छर मारा उस इलाके में,
छह महीने उन्होंने जितनी फोर्स उनकी वो थी, उन्होंने कहा मच्छर खत्म करो, मच्छर खत्म किया छह महीने में, उसके बाद काम शुरू किया। सांप से जी, सांप दुनिया का सबसे खतरनाक चीज मच्छर है भाई, सबसे खतरनाक, सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ। यानी कि बच्चे को जो पैदा होते हैं इंजेक्शन लगता है, उसमें मलेरिया भी होता है डॉक्टर? वो तो डॉक्टर बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि मलेरिया की बीमारी का दवा आपके पास आज मौजूद है, लेकिन पहले नहीं थी। पेंसिलिन से पहले आप देख लीजिए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेंसिलिन ईजाद की है उससे पहले लोग मर जाते थे। पेंसिलिन इज अ बिग लाइफ। जो कोई भी दवाई बनाएगा मैं समझता हूँ कोरोना की उसको पैसा रुपया भी बहुत मिलेगा। अब वो तो ये तो सीधी सी सादी सी बात है कि जो चीज मार्केट में पहले उतरती है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इस वक्त तो मुकाबला चल रहा है, हर चैनल पे देख रहा हूँ, हर आदमी सुबह उठ के नई खबर देता है कि हमने बना लिया दवा। नहीं, वो बनाने से मुराद है कि वो कहते हैं कि ट्रायल में हम जा रहे हैं और फिर लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये पहली दफा है कि इंसान की तारीख में कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, हमने चार पांच महीने जो भी इसको एक्सपोज होते हुए नवंबर दिसंबर से आना शुरू हो चुके ना कोरोना के केस दुनिया के अंदर, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, दुनिया के अंदर ये चार पांच महीने के अंदर इतना आपने उसको कंट्रोल किया हुआ, बहुत बड़ी बात है। कब तक होगा, कब तक चलेगा? मैं आपको बता चुका हूं, दो रीजन है, तो हर्ड इम्यूनिटी या दवाई। अब दवाई जब बनेगी वो तो साइंटिस्ट जाने, मतलब ये सब इंडस्ट्री ने अभी 5 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, टाइम उतना ही लगेगा। तो गरीब ममालिक का बड़ा हो जाए, गरीब ममालिक जो है हमें इस पैसे थोड़ा सा फायदा ये है कि क्योंकि हमारी कंपैरेटिवली जो है वो हुकूमत मुताफियत का एक फर्क है, और जो जो मैंने डेटा नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं डेटा की बात करें ना, अगर आप डेटा उठाएं तो डेटा के अंदर मैं एक साइंटिस्ट नहीं हूं ना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं कम से कम फिगर्स और चार्ट्स देख सकता हूं। चार्ट्स और फिगर्स अगर आप उठा के देखिए तो जो हमारे यहाँ 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ना शुरू हो चुका है, एक फर्क आया एक फर्क आया। आप डेटा, आप तो माशाल्लाह खुद सुबह शाम देख रहे हैं डेटा, आप मुझे बता दीजिए। और तो सर हम राशन का डेटा देख रहे हैं, वो भी है, लेकिन जाहिर है कुछ लोग आपसे बात तो करते होंगे। नहीं सर, मैं जो लोग हमारे पेज के थ्रू देख रहे हैं, मैं सर के पेज का लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग हिस्ट्री के हवाले से कोई भी बात करना चाहें, कराची के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं सर, कर चुके हैं माशाल्लाह, और वो सारी डिटेल्स और कोई भी सवाल करना चाहें इनकी जाती आईडी में डाल रहा हूँ, और बराए मेहरबानी सर से राशन की बात नहीं करिएगा, वो सवाल हमसे करिएगा, कराची की हिस्ट्री पूछनी हो सर से रब्ता करिएगा। बहुत शुक्रिया।